मेडिकल बोर्ड का मैंने सर्टिफिकेट पेश किया है जिसमें 5 डॉक्टरों के सिग्नेचर हैं सर, उसका भी पॉइंट मेंशन किया। जो चालू है वो हम जमा करते हैं, जब तक वो अच्छा था जमा नहीं। लास्ट 3 मंथ से नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक वो अच्छा था उनने जमा करा है, अब उसके बदल कर लेंगे। 2020 से केस चल रहे हैं, 4 साल हो गए सर। क्रिमिनल रिविजन टोटल 2 है सर। तैयार है इसमें के लिए? मुझे कुछ डॉक्यूमेंट फाइल करना था साहब, इनका बयान हुआ है लेडीज का। इंट्रीम ऑर्डर है क्या? जी इंट्रीम, इंट्रीम के लिए अगेंस्ट में आए हैं। इंट्रीम का दोनों एक दूसरे का अगेंस्ट आए हैं? नहीं नहीं, हम लोग एनहांसमेंट के लिए नहीं आ पाए क्योंकि प्रो बोन कैसे का हम लेट हो गए। किस कैसे सेम पर्सन द्वारा पेश किया गया? सेम उन्होंने एक और फाइल किया है ऑर्डर 6 रूल 17 का, एक निरस्त हुआ था नीचे से एक आवेदन, उसके अगेंस्ट में करा है। और जो करा है इसके लिए हमने आज वकालतनामा पेश कर दिया है। उन्होंने 2 ग्राउंड लिए थे, एक डिसेबिलिटी पे लिया था और एक ग्राउंड जो लिया है वो आप निकाल लीजिए। एक ग्राउंड उन्होंने लिया है, कैन आई रीच सर? देखा कौन से केस बता रहे? 3527 CRR 3527। हाँ, पेज नंबर? पेज नंबर 3। ये कुछ डॉक्यूमेंट पेश करने लिए बोल रहे हैं, आज ये रेडी नहीं है। नहीं तो 2 जो ग्राउंड लिया सर वो मेंटेबल नहीं है। यहाँ की प्रार्थी द्वारा केवल अपने मूल आवेदन धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता में दोनों बच्चों के संबंध में कथन जोड़ने का निवेदन किया था, जो केवल कभी वचन था। पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 पॉइंट नंबर 3 6 3 सर 3। यहाँ की प्रार्थी द्वारा केवल अपने मूल आवेदन धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता में दोनों बच्चों के संबंध में कथन जोड़ने का निवेदन किया था, जो केवल एक अभिवचन था जिसे दोष गुण गौण दोष के आधार पर प्रार्थी के सिद्ध करना होता है। इसलिए विद्यमान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त संशोधन आवेदन निरस्त किया गया। और जो चाइल्ड है वो एक ही माइनर चाइल्ड है, वो गर्ल है, एक ही है, एक ही है। और एक इन्होंने जो लिया है वो ग्राउंड पेज नंबर अमेंडमेंट एप्लीकेशन कहाँ है आपने लगाया है? हाँ, कहाँ पर है वो? आई पे एप्लीकेशन है और स्थगित रखने हेतु प्रार्थना पत्र है तो जी। हाँ, ये बच्चे वाला तो ग्राउंड ये पेज नंबर 7 पे सर। नहीं तो ये तो अमेंडमेंट एप्लीकेशन होगा आपका ना? हाँ, संशोधन आवेदन। संशोधन तो है नहीं जी, ये तो स्टे करने के लिए है सर। इसमें संशोधन के लिए मैंने निवेदन किया था, ट्रायल कोर्ट जी मौखिक निवेदन किए थे? नहीं, मैंने आवेदन दिया साहब। हाँ, वही आवेदन पूछ रहे हैं। पेज नंबर 7 पे संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र इनकी साइड से फाइल। हाँ, पेज नंबर 7 पेज नंबर 7 पर तो ऑर्डर है, उनका एप्लीकेशन पूछ रहे हैं। अच्छा, ये है 11 पर प्रतिपादन कार्यालय गोविंद पंत जिला चिकित्सा इंदौर में स्थायी मानसिकता प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड ने कितना को प्राप्त किया है? मानसिक रूप बीमार है प्रतिपाठी, मानसिक रूप से बीमार है इसलिए प्रार्थी प्रतिपाठी कोई काम नहीं कर पाता है, प्रतिपा का कोई साधन नहीं है। उस संदर्भ जवाब की चरण 6 के रूप में करना चाहता है, तो बुरा क्या है ये? अच्छा तो संशोधन में मैंने मात्र इतने ही लड़ने ट्रायल कोर्ट से कहा था कि ये केवल एक अभिवचन है, इसको हम प्रमाणित एविडेंस पे हमारे जब एविडेंस होगा तब करेंगे इसको। हाँ। तो लर्निंग ट्रायल कोर्ट ने उसको आवेदन मेरा खारिज कर दिया। अभिवचन है वो तो रिकॉर्ड ये इनको जैसा बता रहा है 15/5/24 को मिला है जी, आफ्टर फाइलिंग ऑफ मेंटेनेंस एप्लीकेशन। यस, हाँ वो बहुत बीमार रहता है, वो आज भी भर्ती है अस्पताल में ही है। सब कुछ मेंशन कर दिया है कि ये मेंटेबल नहीं है। क्यों नहीं है, कहाँ लिखा है? सर पेज नंबर 2 पर ऑर्डर में ही है जो जिसको डिसमिस किया है, इनके जो आवेदन को प्रकरण का अवलोकन किया गया, प्रतिप्राति प्रकरण में दिनांक 20/6/2022 से उपस्थित होता आ रहा है तथा अधिकांश पेशियों में स्वयं उपस्थित होता है तथा जिसकी उपस्थिति आदेश प्रतिका पर प्रतिप्राति के हस्ताक्षर होकर अंकित होती है। दिनांक 24/6/2024 के प्रतिप्राति स्वयं अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर संशोधन का आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रतिप्राति द्वारा आदेश प्रतिका पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। प्रतिप्राति की ओर से दिनांक 23/4/2024 को आवेदन धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता का जवाब एवं उसके समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर
प्रतिप्रार्थी के हस्ताक्षर। इसी के साथ प्रतिप्रार्थी द्वारा दिनांक 12/5/2023 को IVA के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्रतिप्रार्थी ने अपने हस्ताक्षर किए हैं एवं शपथ पत्र ऐसे कोई उल्लेख नहीं है कि प्रतिप्रार्थी दिमागी रूप से अस्वस्थ है। उसके बाद भी सर जो पॉइंट्स कंसीडर किए उसमें भी है कि कहीं से कहीं तक ये दिमागी रूप पर अस्वस्थ नहीं है। और कोई पैरा मतलब कोई भी उसमें वो नहीं है कि मैटर ऑफ एविडेंस है ना सर, जो भी है मैटर ऑफ एविडेंस है। मेडिकल बोर्ड का मैंने सर्टिफिकेट पेश किया है जिसमें 5 डॉक्टरों के सिग्नेचर है सर, उसका भी पॉइंट ट्रायल बोर्ड में मेंशन किया। अभी तो आप इसमें वकालतनामा फाइल कर दिए हैं क्या? जी आज कर दिए सर, आज कर दिए। हां उनका ट्रांसफर बोथ द पार्टी प्लेस टाइम सब लगा दे बताइए। और सर इसके साथ ये भी हमारा जो आई स्टे ऑफ वैकेटिंग का जो स्टे हो गया था इंट्रीम जो 3,500 रुपये ही है, 2,500 इनको और 1,000 रुपये फॉर डॉटर, तो वो भी स्टे हैगा। और जो अभी ये एरियर ऑफ अमाउंट 11,000 रुपये जो अभी दे नहीं रहेंगे तो वो भी रेगुलर नहीं सर स्टे है यहाँ से स्टे डेट ऑफ एप्लीकेशन से भी नहीं। मदर फादर जमा करते हैं वो तो पागल करीब करीब नहीं सर, यहाँ ये मेंशन करते हैं कि पहली बार आए हैं ना पागलपन लेकर के, इसके पहले इससे पहले है नहीं जी, ये सुनवाई होगा जब एक्सेप्ट होगा देखा जाएगा। हाँ डेट पर सर यहाँ भी उपस्थित रहते हैं और वहाँ भी उपस्थित रहते हैं कि वो आज नहीं कराए जब अस्पताल में भर्ती है, वो आज भी भर्ती है साहब आ नहीं पाया। नहीं नहीं ये लेट पे स्कूल नहीं चलेगा आपका, हम खारिज कर देंगे फिर जी स्टे जो भी है ऑर्डर यहाँ से नेक्स्ट डेट पे कर दे सर, तो अगले बीच पे कर ही दूंगा, वैसे आज भी कर देता मगर आज समय भी कम है। इस वाले मिस्टेक होगा ना? हाँ सर, 3187 पर स्टे है जो एंट्री मॉडल स्टेज। रेट क्या है? आप से स्टे है? 8/2023 से स्टे है ये। स्टे वैकेटिंग तो हमने कहा ये भी फाइल किया है 11423 एप्लीकेशन। सब्जेक्ट टू डिपॉजिट अमाउंट ऑफ एंट्री मेंटेनेंस सर, केवल जो चालू है वो हम जमा करते हैं जब तक वो अच्छा था। लास्ट 3 महीने नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं, जब तक वो अच्छा था उनने जमा करा है, हम उसके बदल कर लेंगे। 2020 से केस चल रहे हैं, 4 साल हो गए हैं सर। अगर ये रहेगा तो हम अगले डेट पर आपका रिजेक्ट कर देंगे। The petitioner has not depositing interim maintenance amount to your trial court. Sir, pichli date pe bhi 3,500 rupees humne jama kara hai. Har date pe jama kara hai. The petitioner is directed to deposit the maintenance amount as per order dated 8/2023 positively within कब तक जमा करा देंगे सर? अभी तो हाल ये नेक्स्ट वीक करे थे, मैं आर्गुमेंट ही कर दूंगा साहब तो डिसाइड। डेट ऑफ पब्लिकेशन का जो एरियर है सर वो 1,00,000 रुपीस तक का है। एरिया तो स्टे है, पिछली बार भी 3,500 रुपए जमा किए थे, इसके पहले भी 4,000 जमा किए थे, तो मदर फादर बेचारे जो भी होता है वो करते हैं कहीं ना कहीं से लाके। मम्मी पापा नहीं विदिन कब तक जमा करेंगे आप बताइए, विदिन 15 डेज? मैं कोशिश करता हूँ जी। कोशिश नहीं करेंगे तो उसको ऑर्डर तो रिकॉल कर लेंगे जी। जी सर इसकी भी स्कूल की फीस वगैरह फेलिंग विच स्टार्टर मे बी रिकॉल। 15 दिन के बाद लगा रहे हैं ताकि आप जमा करें उसको। बिल्कुल